नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं नेहा भारद्वाज और विषय है हमारा हिंदी। आज का शीर्षक है हमारा फलों के नाम। आज हम लोग कुछ फलों के नाम को जानेंगे और उनसे जुड़े कुछ तथ्य को भी जानेंगे, तो आइए देखते हैं। पहली तस्वीर है आपके सामने में सेब की। सेब एक ऐसा फल है जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होता है और हमारे हड्डियों को भी मजबूत करता है। दूसरी तस्वीर है आपके सामने में पपीता की। पपीता एक ऐसा फल है जो हमारे आँखों की रोशनियों को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। तीसरी तस्वीर है आपके सामने में अनार की। अनार एक ऐसा फल है जो हमारे शरीर में रक्त को बढ़ाने के काफ़ी काम आता है। चौथी तस्वीर है आपके सामने में केले की। केला एक ऐसा फल है जो हमारे पाचन को मजबूत करता है और कब्ज होने से रोकता है। पांचवी तस्वीर है आपके सामने में अंगूर की। अंगूर का फल गर्मियों में मिलता है, इसे खाकर पेट के अंदर हो रहे गर्मी शांत हो जाते हैं। बच्चों, अब हम लोग जानेंगे फूलों के नाम और उनसे जुड़े कुछ तथ्य। आपके सामने में पहली तस्वीर है कमल की, फूल की। कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय फूल है और यह फूल कीचड़ में खिलता है। दूसरी तस्वीर है आपके सामने में गुलाब की। गुलाब का फूल कांटों के बीच खिलता है, इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है और इसके 100 से अधिक प्रजाति हैं। तीसरी तस्वीर है आपके सामने में सूर्यमुखी फूल की। सूर्यमुखी का फूल सूर्य के चारों तरफ घूमता रहता है। चौथी तस्वीर है आपके सामने में गुड़हल के फूल की। गुड़हल का फूल भगवान को चढ़ाने के काम आता है और साथ ही साथ औषधि के भी काम आता है। पांचवी तस्वीर है आपके सामने में गेंदा का फूल का। गेंदा का फूल हर घर में मिल जाता है, यह भगवान को चढ़ाने के काम आता है और इसे माला के रूप में भी देख सकते हैं। बच्चों, हमने जान लिया पांच फलों के नाम और उनसे जुड़े तथ्य और पांच फूलों के नाम और उनसे जुड़े तथ्य। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।